और ये लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रत्याशियों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जौनपुर लोकसभा सीट से जो चर्चित नाम था बाबू सिंह कुशवाहा जी का, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार एक चर्चे में बनी रही सीट, कहीं धर्मेंद्र सिंह का नाम आ रहा था समाजवादी पार्टी को लेकर, किसी और का आ रहा था, आखिर में ऐसा क्या हुआ कि बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देना पड़ा अखिलेश जी? नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। हमारी जानकारी में तो ये था कि हम लोगों ने सोचा कि ये चुनाव संविधान बचाने का है। एक तरफ वो लोग हैं जो उनके लोग मंशा व्यक्त करते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो संविधान पर आस्था रखता है और संविधान को बचाना चाहता है। तो जन अधिकार पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली है, संविधान में आस्था रखती है। तो हम लोगों ने सोचा इन दो विचारों के बीच में चुनाव है तो हमको भी जो संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। आप जौनपुर के लोगों के दिल कैसे जीतेंगे, उनके बीच आप पहुंचेंगे, किस तरीके से उन लोगों को समझाने का काम करेंगे कि इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, क्या रहेगा आपका? जौनपुर के लोग बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारी पहले से भी जान पहचान और पहुंच उनके दिलों तक है, और बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने, जौनपुर के लोगों ने 10 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को देखा है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, किसान कितनी समस्याओं से ग्रसित है, पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रही, अग्निवीर योजना जैसी थोपी गई हमारे नौजवान बच्चों पर। तो इन सारी चीजों को देख करके जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके गार्जियन है, बहुत परेशान है और दुखी। तो उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार हमको बीजेपी को हरा करके इंडिया अलायंस के को हमें जिता करके भेजना है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि 400 पार इस बार वो जो इंडिया गठबंधन वो खत्म हो जाएगा। देखिए, हम जो माहौल देख रहे हैं, हम इस माहौल से जो हमको समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन सेंटर में सरकार बना रहा है, पूरे बहुमत के साथ लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो समाजवादी पार्टी जौनपुर से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन पूर्व बहुमत से सरकार बनाएगी। मोहम्मद यूसुफ, प्राइम टीवी, लखनऊ।